एक बादशाह था, उसने हीरे लिए और उसने कहा जी ये इसमें असली भी हैं और नकली भी हैं, जो ये बताएगा कि ये असली है और ये नकली है उसको इनाम मिलेगा और जो नहीं बता सका उसकी गर्दन चली जाएगी। कई लोगों ने अपनी गर्दनें ज़ाया करवाई। एक नाबीना आ गया, आंखों से नाबीना, उसने कहा मैं बताता हूँ। बादशाह ने कहा आंखों वाले नहीं बता पा रहे, तू कैसे बताएगा, तो सिर्फ 10 मिनट देते हैं मुझे। वो गया हीरे लेके, धूप में बैठा, 10 मिनट के बाद आया, उसने कहा ये असली है और ये नकली, चेक करवाया तो बिल्कुल सही। अरे ये कैसे हुआ कि आंख वाले नहीं बता पाए, तू नाबीना होके तूने बता दिया। उसने कहा वेरी सिंपल, मैं गया धूप में रखे, जो प्लास्टिक के थे वो गर्म हो गए और जो ओरिजिनल थे वो ठंडे के ठंडे रहे। ये जो तपिश आती है ना लाइफ के अंदर, बेसिकली कुदरत हमें चेक कर रही होती है कि कौन असली है और कौन नकली है, कौन सिर्फ दावा करता है और कौन सबर करता है उस मौके पे। इस वक्त ने गुजरना ही गुजरना है। हम अगर इस मामले में आके देखें कि यार क्या मेरे घर में खाना पकता है 3 टाइम, मेरे पास इतने पैसे हैं कि 6 महीने अगर मैं घर बैठ जाऊं तो मुझे कोई परेशानी ना होगी, मैं कहां से चला था। हम अपनी बात करें तो हमारे बचपन में तो 2 जोड़े जो है वो हमारे बनते थे, एक बड़ी ईद पे और एक छोटी ईद पे। एक जोड़ी जूतों की मिलती थी, पूरा साल वही खींचना पड़ता था, खराब हो गई तो उसको सिलवा ली। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें दी, पहले के बादशाह इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, फिर भी हम रोते हैं कि पता नहीं हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे साथ क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हुआ, क्या है, पहले से बेहतर हुए हो या खराब हुए हो। अल्लाह ने कोई रात ऐसी बनाई नहीं कि जिसके बाद दिन तुलू ना होता। कभी कोई ऐसा हुआ कि रात आई हो फिर दिन ना आया हो, तो मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। मगर मसला यह है कि अगर आप इसको हंस के गुजारेंगे, मजे लेंगे कि मेरे मालिक ये वक्त भी तूने ही भेजा है, कोई नहीं, वो क्या खूबसूरत बात है कि चुप रह से ता मोती मिल सें, सब्र करें ता हीरे, यानी खामोश रहोगे तो मिलेगा, लेकिन शोर मचाओ मचाओ जितना मचा सकते हो, क्या होगा उससे। हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि हमसे जब कोई पूछे ना भाई क्या हाल है, यार धंधा नहीं है, मजा नहीं, हर वक्त रोना, हर वक्त गिला करना, इसको खत्म करना। कोई पूछे क्या हाल है, कहो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक ये बगैर वेंट के मेरी सांस आ रही है तेरा शुक्र है, मेरे को तूने ये आंखें अता कर दी तेरा शुक्र। वो शेख सादी जा रहे हैं मस्जिद में, गए नमाज पढ़ने तो कोई जूते उठा के ले गया, बाहर निकले तो देखा कि कोई जूते ही गायब है। अब सोच रहे वक्त का इतना बड़ा शेख नंगे पांव जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। इतने में क्या देखते हैं कि एक शख्स है, उसके दोनों पांव नहीं है, जमीन से घिसटता हुआ आ रहा है। शेख सादी फौरन सजदे में गिर गए, कहा मेरे मालिक मेरे तो जूते नहीं है, इसके तो पांव नहीं है। तो दुनिया के मामले में जब हम नीचे देखेंगे तो हमारी जबान पे हर वक्त शुक्र आएगा, और जिस वक्त बंदे की जबान पे शुक्र आ गया, उसने गिला करना छोड़ दिया जिंदगी से, उसी वक्त उसकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। कि परेशानी हालात से नहीं होती, ये ख्यालात से होती, हालात तो सबके गुजर जाते हैं, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती, ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हमने असल में ख्वाहिशात के अंबार बनाए हुए, जरूरत हमारी कुछ है, जरूरत के बाद सहूलत है, सहूलत के बाद आसाइश है, आसाइश के बाद जेबाइश है, नुमाइश है। हम नुमाइश को भी जो है ना वो समझते हैं कि ये भी हमारी जरूरत है, जरूरत नहीं है यार, जरूरतें क्या है। पेंडामिक में अमीर की जरूरत भी वही थी, गरीब की भी वही थी, 3 वक्त का खाना, सुकून से। अल्लाह ने बड़ी नेमतों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें नवाजा है। हम एज ए बिजनेसमैन जितना शुक्र अदा करें कम है।